प्यारे बच्चों नमस्ते। कैसे हो बच्चों? तुम लोग तैयार हो आज भी एक मजेदार कविता और पढ़ने और सुनने के लिए? ठीक है बच्चों। बच्चों तुमने अपने आसपास अलग अलग तरह के पशु पक्षी देखे होंगे, जैसे तोता, कबूतर, मुर्गी, गौरैया, कौवा, कोयल और भी बहुत सारे पक्षी। अब जरा इसे पहचान कर बताओ ये कौन सा पक्षी है। बिल्कुल सही पहचाना तुमने, इसे उल्लू कहते हैं। कुछ लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में इसे घुघुआ भी कहते हैं। वैसे तो यह जंगल में रहता है पर कभी कभी हमारे गांव या शहर के नज़दीक भी आ जाता है। दिन भर पेड़ में सोता है और रात में जब चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है तब कभी कभी इसकी आवाज़ सुनाई देती, क्योंकि उल्लू रात में ही शिकार करने के लिए निकलता है। अच्छा तो बच्चों आज मैं तुम्हें उल्लू की ही एक मज़ेदार कविता सुनाऊंगी जो तुम्हारे कक्षा पहली के पाठ 10 उल्लू आया में है। तो आओ पढ़कर जानते हैं कि इस कविता में उल्लू क्या कर रहा है। पाठ 10 उल्लू आया। उल्लू आया, उल्लू आया, एक ऊन का गोला लाया। उल्लू आया, उल्लू आया, एक ऊन का गोला लाया। चरखा बोला चू चू चू, खरगोश बोला कू कू कू। चरखा बोला चू चू चू, खरगोश बोला कू कू कू। देखो रंग से भरी दवात है, किसान भी हल के साथ। देखो रंग से भरी दवात है, किसान भी हल के साथ। बच्चों कैसी लगी तुम्हें कविता? आओ इसे तुम एक बार मेरे साथ दोहराओ। उल्लू आया, उल्लू आया, एक ऊन का गोला लाया। चरखा बोला चू चू चू, खरगोश बोला कू कू कू। देखो रंग से भरी दवात है, किसान भी हल के साथ। बच्चों कविता में अर्थ समझ आया कि उल्लू क्या कर रहा है? आओ समझते हैं। तो तुमने चित्र से देखकर पहचान ही लिया कि यह उल्लू है। बच्चों यह जंगल में रहता है और उल्लू रात में जागता है और दिन में सोता है। एक दिन वह उल्लू अपने साथ ऊन का गोला लाया। ऊन मतलब जिससे स्वेटर बनाया जाता है। चरखा बोला चू चू चू, खरगोश बोला कू कू कू। चरखा, क्या तुमने चरखा देखा है बच्चों? चरखा इसे कहते हैं जिसमें कपड़ा बनाने के लिए धागा बनाया जाता है। यह लकड़ी का बना होता है और जब चरखा चलता है तब उसमें से चू चू की आवाज आती है। वहीं पास में खरगोश भी खेल रहा है जो कू कू कर रहा है। देखो रंग से भरी दवात है, किसान भी हल के साथ। तो बच्चों आगे इस कविता की पंक्तियों का अर्थ है कि बच्चे कह रहे हैं आओ दोस्तों देखो यहाँ पर दवात में रंग भरा हुआ है। दवात मतलब जिसमें स्याही या रंग भरकर रखा जाता है उसे दवात कहते हैं। और आगे देखो किसान भी हल चला रहा है, हल इसे कहते हैं। तो बच्चों अब इस कविता को तुम अपनी पुस्तक से पढ़कर भी देखना और आओ अब हम इससे जुड़े कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। इसमें पहला अभ्यास कार्य है कि तुम्हें दिए गए चित्रों से शब्दों का मिलान करना है। इस तरफ देखो चित्र हैं और बीच में इनके नाम दिए गए हैं। पहला चित्र पहचानो किसका है? शाबाश, पहला चित्र है खरगोश का। कहाँ लिखा है खरगोश? यह लिखा है खरगोश। अगला चित्र है ऊन, ऊन कहाँ लिखा है? यह लिखा है ऊन। बहुत बढ़िया। अगला चित्र देखो हल, इसमें हल कहाँ लिखा है? यह लिखा है हल। अब दूसरे तरफ दिए हुए चित्रों को देखो। पहला क्या है? उल्लू, कहाँ लिखा है उल्लू? यह लिखा है उल्लू। अगला चित्र है चरखा और यह लिखा है चरखा। अगला चित्र है दवात,
कहाँ लिखा है दवात? जो सबसे आखिरी में बच गया, यहाँ पर देखो लिखा है दवात। आओ बच्चों, तुमने इस कविता में कुछ नाम सुने, जैसे उल्लू, चरखा, खरगोश, दवात। अब इनके नामों में कितनी आवाजें हैं और कौन कौन सी आवाजें हैं, इनकी पहली आवाज क्या है, आओ इस गतिविधि से समझते हैं। तो पहला चित्र है उल्लू, इसके नीचे लिखा है उल्लू। अब देखो इस नाम में कितनी आवाजें हैं, तो इस नाम में दो आवाजें होंगी, कैसे, उल्लू। और यहाँ लिखा हुआ है उ के बाद ल जो है वो आधा लिखा है, इसलिए तुम्हें यहाँ पे तीन डिब्बे दिख रहे हैं। इसमें पहली आवाज क्या है, उ। अगला चित्र है चरखा, देखो इसके नीचे लिखा है चरखा। इस नाम में कितनी आवाजें हैं, चुटकियां बजा कर देख लो, च र खा। कितनी बार चुटकियां बजानी पड़ी, तीन बार, च र खा। पहली आवाज च, यह देखो ऐसा लिखा जाता है च। अगला चित्र दवात, नीचे देखो लिखा हुआ है दवात। अब इस नाम में कितनी आवाजें हैं, द वा त। कितनी आवाजें हुई, तीन आवाजें, कौन कौन सी, पहली आवाज द, दूसरी आवाज वा और तीसरी आवाज त। तो पहली आवाज द और ये देखो इस तरह लिखा जाता है द। इसको पहचानो, किसका चित्र है, खरगोश का। इस नाम में कितनी आवाजें हैं और कौन कौन सी आवाजें हैं, ख र गो श। कितनी तालियां बजानी पड़ी, चार। तो कितनी आवाजें हुई, इसमें चार आवाजें, कौन कौन सी, ख र गो श, चार आवाजें। पहली आवाज ख, तो देखो इस तरह लिखा जाता है ख। अगला चित्र बच्चों ऊन का है, इसके नीचे लिखा है ऊन। इस नाम में कितनी आवाजें हैं, कौन कौन सी आवाजें हैं, ऊन। कितनी आवाजें हैं, दो आवाजें, पहली आवाज ऊ, दूसरी आवाज न। तो इसमें पहली आवाज ऊ, इस तरह से लिखा जाता है ऊ। अगला चित्र है हल, इस नाम में कितनी आवाजें हैं, ह ल, दो आवाजें, कौन कौन सी आवाजें हैं, ह ल। पहली आवाज किसकी है, ह की है, और देखो इस तरह लिखा जाता है ह। ठीक है बच्चों, अब इन वर्णों को तुम लिखने का भी अभ्यास करना। आओ बच्चों अब हम अगली गतिविधि करें। अब हम एक मजेदार खेल खेलते हैं, इसमें मैं तुम्हें कोई नाम बोलूंगी और उसकी पहली आवाज च आएगी तो तुम्हें अपना अंगूठा ऊपर करना है, और यदि उस नाम की पहली आवाज च नहीं है तो तुम्हें अपना अंगूठा नीचे करना है। एक बार मैं करके दिखाती हूँ, ठीक है। चम्मच, अंगूठा ऊपर, काजू, अंगूठा नीचे, क्योंकि इसमें च की आवाज नहीं है। अब देखो अगला नाम मैं बोलती हूँ, चटनी। अब बताओ अंगूठा ऊपर होगा या नीचे, चटनी, अंगूठा ऊपर होगा क्योंकि इस नाम में पहली आवाज च है। और बोलते हैं रबड़। अब बच्चों अगला नाम है जूता। अब बताओ इसमें अंगूठा ऊपर होगा या अंगूठा नीचे, जूता। क्यों अंगूठा नीचे हुआ, क्योंकि इसमें च की आवाज नहीं है। चप्पल, अंगूठा ऊपर, क्योंकि चप्पल में पहली आवाज च है। अब बच्चों इसी तरह से हम और आगे करते हैं, अब की बार द की आवाज आने से हम अंगूठा ऊपर करेंगे और जिस नाम में द की आवाज नहीं होगी अंगूठा नीचे करेंगे। तुम सब भी मेरे साथ करके देखो, हलवा है क्या द की आवाज, नहीं ना, अंगूठा नीचे। दवाइयाँ, अंगूठा ऊपर, क्यों, क्योंकि दवाइयाँ में द की आवाज है। ठीक है बच्चों, बच्चों ये खेल तुम अपने मित्रों के साथ भी खेल सकते हो कि तुम कोई ऐसी आवाज का नाम बताओ जिसमें उन्हें अंगूठा ऊपर करना हो और जब वो आवाज ना आए तो उन्हें अंगूठा नीचे करने बोलो।
आओ बच्चों, अब हम अगली गतिविधि करते हैं। इसमें तुम्हें खोजकर गोला लगाना है। किस चीज़ को खोजना है? इधर लिखे पहले वर्णों को खोजना है। जैसे पहला वर्ण है च। अब यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, इसमें से पहचानो कि च कहाँ कहाँ लिखा है। सबसे पहला शब्द है चम्मच। अब इस तरह से च कहाँ लिखा है देखो, इसमें यहाँ। इसे क्या करेंगे? बोलकर गोला लगाएंगे च। इसमें और भी च है ना, देखो पीछे तरफ लिखा है इसमें च, तो इसे भी हम बोलकर गोला करेंगे च। अगला शब्द देखो अचकन। इसमें च कहाँ पर है? अ के बाद में, तो यहाँ पर च पे गोला लगाओ। अगला शब्द चमन। यहाँ पर पहले में ही लिखा है च, इसे गोला करेंगे। इसके बाद लिखा है कांच, यहाँ पीछे लिखा हुआ है च, तो इसे भी गोला करेंगे। ठीक है, अब इस तरह से और भी वर्ण दिए हैं और उनसे जुड़े शब्द दिए हैं। अब तुम्हें इन्हें पहचानना है और उस पर गोला लगाना है। जैसे ख, कहाँ कहाँ पर ख है उसे बोलो और गोला लगाओ। आओ बच्चों, अब अगला अभ्यास कार्य करें। इसमें तुम्हें दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताना है। पहला प्रश्न है ऊन का गोला कौन लाया था? याद है ना कविता में ऊन का गोला कौन लाया था? सही कहा तुमने, इसका उत्तर है ऊन का गोला उल्लू लाया था। बच्चों अगला प्रश्न है चू 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 की आवाज़ कौन कर रहा था? याद है उत्तर? सही कहा, इसका उत्तर है चू 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 की आवाज़ चरखा कर रहा था। अब बच्चों मैं तुम्हें इस पाठ से जुड़े कुछ गृह कार्य देती हूँ। बच्चों इसका पहला प्रश्न है कि तुम्हें इस तरफ शब्द दिए गए हैं और दूसरे खंड में उसके पहले अक्षर दिए गए हैं, तो उसे पहचानकर उसकी जोड़ी बनानी है। पहला शब्द है उल्लू, इसमें पहला वर्ण है ऊ, तो जहाँ पर ऊ है उसके साथ इसकी जोड़ी मिलाएंगे। अगला शब्द है ऊन, ऊन में पहला वर्ण है ऊ, तो देखो यहाँ पर लिखा है ऊ, अब इसे पहचानकर इसमें जोड़ी मिलाओ। आगे के इस तरह और शब्दों को तुम देखो, इनका पहला वर्ण क्या है और इधर से उसकी लिखे गए वर्णों में जोड़ी मिलाओ। बच्चों अगला प्रश्न है शब्द बनाकर लिखो और पढ़ो। इस तरफ देखो कुछ अक्षर हैं, जैसे नी ची मी और ती, और बीच में दिया हुआ है ल वर्ण। इन दोनों वर्णों को जोड़कर तुम्हें यहाँ एक शब्द बनाना है। जैसे सबसे पहला है नी और ल, इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? नील। ठीक है बच्चों, इस तरह से और भी अक्षरों को जोड़कर तुम और शब्द बनाओ। अगला प्रश्न है कि तुम्हें दी गई तालिका में अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना है, तो देखो यहाँ पर कौन कौन से अक्षर हैं, जैसे ऊ, यहाँ पर लिखा है सी और मी, जा ला, तो तुम कोई सा भी अक्षर, दो या तीन अक्षर लेकर शब्द बना सकते हो। मैं तुम्हें सबसे पहला बनाकर दिखाती हूँ, ऊ जा ला। यदि हम इन तीनों अक्षरों को लेंगे तो बनता है शब्द उजाला। ठीक है, इस तरह और भी ढेर सारे शब्द तुम बना सकते हो। ठीक है बच्चों, हम जल्दी ही अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक तुम स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो।